पक्षियों का नाम है डेमोसल क्रेन फ्रॉम मंगोलिया 6000 किलोमीटर्स वन बिग फ्लाइंग कम द किचन ब्लीच मॉर्निंग टाइम 6 o'clock गो द फील्ड ग्राउंड द ईड द फील्ड 7 o'clock एंड द फील्डिंग ग्राउंड एंड द कम एंड राजस्थानी जवार एंड द ईड 10 o'clock कम द लेक एंड द 11 o'clock drink the water and 5 o'clock go the bar village and eat the salt water drink night sleep salt area 6 months here the kitchen village march and go the Mongolia first August and come the kitchen village. Welcome back to my new vlog. तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर तो अभी हम चलते हैं सीधा आगे और हम आपको दिखाते हैं जी ये कि यहाँ पे कुर्जा रिजर्ट वो चल के हम आपको दिखाते हैं आप इसको पीसो मैं अभी आ रहा हूँ ठीक है तो जी अपना मैं घोड़ा भी चला रहा हूँ जी गाड़ी ये देख पा रहे हो ये गाड़ी और अभी मैं जा रहा हूँ जी सीधा कुर्जा रिजॉर्ट आपको लेके चलता हूँ ठीक है तो अभी जी फिलहाल मैं कुर्जा रिजॉर्ट पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पे आप रास्ता देख पा रहे हो यहाँ पे कुर्जा रिजॉर्ट का एक जगह आई है वो चल के हम आपको दिखाते हैं और कुछ दोस्त बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं ये कुर्जा रिजॉर्ट लिखा हुआ है किचन ये पास का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे सामने स्कूल है मंदिर है झंडा भी लगा हुआ है ये देख पा रहे हो कुछ भाई से बात भी करते हैं चल के कैसे हो बढ़िया है कैसे हो कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए मुझे 300 साल अच्छा मतलब यही के वासी हो कुर्जा जो रिजॉर्ट है ये कब से तकरीबन बना हुआ है ये करीबन 300 सालों से आ रही है मेरा नाम है नवीन पक्षी प्रेमी अच्छा। मैं इधर घायल बर्ड का रेस्क्यू करता हूँ मुझे कलेक्टर साहब ने सम्मानित भी किया है पक्षियों का नाम है डेमोसल क्रेन फ्रॉम मंगोलिया 6000 किलोमीटर वन बिग फ्लाइंग कम द किचन ब्लीच मॉर्निंग टाइम 6 o'clock गो द फील्ड ग्राउंड द ईड द फील्ड 7 o'clock एंड फील्डिंग ग्राउंड एंड कम एंड राजस्थानी जवार एंड द ईड 10 o'clock कम द लेक एंड द 11 o'clock ड्रिंक द वाटर एंड 5 o'clock गो द बाब विलेज एंड ईड द सॉल्ट वाटर ड्रिंक नाइट स्लीप सॉल्ट एरिया 6 months हियर द किचन विलेज मार्च एंड गो द मंगोलिया 1 August एंड कम द किचन विलेज थैंक यू ओके साथ में चल के थोड़ा सा गाइड करोगे हमें एक्चुअली में मेरा नाम है प्यार राम फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तानी हिंदू ब्लॉगर नाउ स्टे इन इंडिया राजस्थान सो टुडे वी विजिट द कुर्जा रिजॉर्ट शोइंग कुर्जा रिजॉर्ट सो प्लीज कम विद मी तो एक भैया मिले हैं जी हम आपको बताते हैं इनके अबाउट थोड़ा सा कोई हिंदी में बात करके बताएंगे अच्छे से समझ आ जाएगी सो एक यहाँ पे एक वासी हमें मिले हैं ये वाले भैया तो ये वाले कह रहे हैं जी कि यहाँ पे इन बर्ड्स को रेस्क्यू करने के लिए इनको सम्मानित भी किया गया है इनको यहाँ पे तैनात किया गया है इनको रेस्क्यू करने के लिए इनको इनकी टाइमिंग का पता है इनको इनकी फीड का पता है वो हम टोटली जो है इनसे बात करते हैं पूछते हैं काफी अच्छी आज हमें जानकारी मिलने वाली है तो यहाँ पे एक ऊपर जगह बनी हुई है इसके ऊपर चल के हम आपको कुर्जे दिखाते हैं ठीक पॉन्ड बना हुआ है वाटर पॉन्ड इस साइड भी एक वाटर पॉन्ड बना हुआ है जिसके ऊपर भी यहाँ पे कुर्जी आके बैठ जाती है हर साल हाँ। आज की संख्या तो 40,500 है दिसंबर के बाद सारी संख्या बर्ड्स की बढ़ती रहती है और पिछले साल थी अपने 35,000 से 40,000 के करीब उस टाइम तो 35,000-40,000 इतनी थी लमसम हर डे बढ़ती रहती है संख्या घटती नहीं है दिसंबर के बाद ये रोज की काउंटिंग है रोज डेली अभी मैंने 20 GPS का ट्रैक खुलासा किया है अच्छा ये किस महीने से किस महीने के दौरान आती है अगस्त में आती है मार्च एंडिंग को वापस चली जाएगी 6 महीना स्टेज करती है किचन में और सबसे हाईएस्ट कुर्जा कितनी यहाँ पे डेली देखने को मिलती है दिसंबर में आओ कभी भी 20 दिसंबर को आओ करीबन आपको एक साथ मिल जाएगी 40,000 से 45,000 मॉर्निंग टाइम में 7 o'clock कम द फीड ग्राउंड में अच्छा इसमें फीड क्या क्या इनको डालने को मिलती है जवार मिलती है तालाब पे आने के बाद यहाँ पे कैल्शियम कंकर चुकती है पत्थर छोटे छोटे फिर यहाँ से शाम के टाइम जाती है 35 किलोमीटर दूर बाप रेण में नमक चुकती है और नमक का पानी पीती है बरसात का पानी पीती है और नमक का पानी पीती है खाने में जवार खाती है कंकर खाती है नमक खाती है कीट पतंगे उनको खाती है तो यहाँ पे सैलानी वगैरह भी तो काफी सारे आते हैं क्या फॉरनर भी यहाँ पे फॉरनर सबसे ज्यादा आता है अच्छा इटली फ्रांस और फिर सेकंड नंबर पे आते हैं यूरोप इन साइड से आते हैं सही आपको यहाँ पे मैं 40 से ज्यादा बर्ड्स बता दूंगा पानी के अंदर देखना चाहोगे तो ब्लैक विटन है लिंग ब्लैक विंग स्टिल्ट है और पानी के जो अंदर बैठी है ये छोटी छोटी सी दिख रही है ये लिटिल ग्रीव है इनका नाम और यहाँ पे देखोगे बाहर इधर लैब विंग मिल जाएगा आपको सैंड पाइपर मिल जाएगा अपने फ्लैमिंगो क्या अपने क्या नाम किंगफिशर मिल जाएगा ज्यादा बाजरा इनको पसंद है 40 से 45, 30, 35 इतने जो है वो डेली की काउंटिंग होती है और ये भैया बैठे हैं जी ये इनकी देखभाल करते हैं ऐसे समझ ले के
इनको सम्मानित किया गया है, कलेक्टर की ओर से सम्मानित किया गया है। कब से आना स्टार्ट हो रही है अभी तक? ये करीबन कितने साल हो गए? 300 साल हुए इनको आते हुए सन। 300 सालों से ये आ रही है। हाँ। पीट जो है वो गवर्नमेंट देती है या लोकल पर्सन देती है? लोकल पर्सन, और यहाँ के जो जैन समाज से बाहर गए हुए हैं वो डोनेट करते हैं। अच्छा, डोनेट करते हैं, डोनेशन भी इनका वगैरह आता रहता है, तो वो सारा इनके फीड के ऊपर और इनके मेंटेनेंस के ऊपर हो जाता है। अच्छा, ये जो जगह है इनकी है, ये गवर्नमेंट की दी हुई है या ये? नहीं, हाँ ये गवर्नमेंट की है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की है। सो पास चलते हैं इनका थोड़ा सा और तस्वीर वगैरह लेते हैं। इस साइड पे खीचन विलेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला, तो काफ़ी अच्छी कुछ हमें जानकारी देखने को मिलती है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और थोड़ी सी फोटो वगैरह और वीडियोस वगैरह लेते हैं इनकी। यहाँ पे एक पूरी जाली वगैरह और जंगला वगैरह लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे बैठने के लिए, स्टे करने के लिए, थोड़ी सी इंजॉयमेंट करने के लिए एक जगह सी बनाई हुई है। अच्छा, ये एक ही पाउंड है? नहीं, 5 पाउंड है। अच्छा, 5 पाउंड वगैरह है, तो हर पॉइंट पे जो है वो बैठी होती है। अच्छा, इस पॉइंट पे बैठी है कम से कम 1,000-1,500, 1,000 से 1,500 के दरमियान एक पाउंड पे बैठी हुई है इस पे, और इस साइड वाले में बैठी है कम से कम 20 से 40 हजार। ओके, तो वहां पे बड़ा पाउंड वही है। अच्छा, लेक इनका सबसे बड़ा, तो ये वर्ल्ड फेमस है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जी। अच्छा, ये नुकसान तो नहीं पहुँचाती? नुकसान नहीं पहुँचाती। यहाँ के रहने वाले जो वासी हैं वो इनकी आवाजों से परेशान तो नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, एक उड़ी, सारी उड़ी। अच्छा, तो जी भाई कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ से वहाँ तक इसके अंदर गए तो एक डरी तो समझ लो कि वो सारी की सारी डर जाएगी। तो चलते हैं, जो एक बड़ा पाउंड है उसकी तरफ चलते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी कुर्जियाँ जो है वो इस वक्त यहाँ पे फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं, काफी ज्यादा आवाज हमें देखने को मिलती है। ये भी मतलब फॉरेनर्स आ रहे हैं ना? अच्छा, इस साइड पे जी ये पौंड, और यहाँ पे बैठी हुई जी कुर्जी, दूसरा पौंड, ये पूरी की पूरी कुर्जी है। ये था जी हमारा कुर्जा रिजल्ट, आज की हमारी खूबसूरत सी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया।